सो हेलो एवरी वन, गुड इवनिंग, वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल, वेलकम बैक टू न्यू ब्लॉग्स। सो गाइज, अभी चल रहे हैं थोड़ा रील शूट करने के लिए और इसी कारण आज निकले हैं। और कुछ इम्पोर्टेंट आप सभी से बात करना है, जो कि मैं कन्फ्यूज हो रहा है कौन सा बाइक लूँ, जो कि एक KTM RC390 भी आ रहा है, BMW से सस्ता है KTM RC390, उसमें पावर फीयर थोड़ा सा लुक उतना अच्छा नहीं लगता है, लेकिन पिकअप का मामला में बहुत ही गजब का बाइक है। और क्या कहते हो पब्लिक, ये भी कमेंट करना। और इसी कारण आप सभी से बात करने के लिए आए हैं, जो कि देख सकते हो बहुत ही खाली रूट है। और इधर स्टंट करने में बहुत ही अच्छा लगता है, जो कि अभी व्हीली का प्रैक्टिस चल रहा है, जो कि टाइम मारते हैं एक बार और दिखाते हैं आप सभी के। और गाइस ये देखो टाइम मारते हैं, ओ भाई बिल्ली टाइम मार रहे हैं, ओ भाई साहब गजब का बिल्ली हुआ, ओ भाई धीरे धीरे प्रैक्टिस कर रहे हैं गाइस। और क्योंकि ओ भाई कैसे ये उठता है बिली तो, ओ भाई साहब बहुत ही गजब का है इसमें, वो गजब का होता है स्टंट। और इसी कारण बिली इस पे कंट्रोल भी बहुत ही अच्छा रहता है बिली का, जो कि इसका अंदर से ही सेंसर लगा हुआ है, जो कि अदर बाइक में ये प्रोसेस रहता नहीं, जो कि इसमें है। बिली माने बहुत ही आराम होता है, क्योंकि गाइस आप सभी देखे हैं बिली का भी प्रैक्टिस चालू है, जो कि धीरे धीरे सीखेंगे और कोई जल्दीबाजी नहीं करना है, क्योंकि बाइक बहुत ही महंगा है और इसी कारण आराम आराम से करना है, जो कि अपनी एग्जाम आ रहे हैं। और गाइस मैं जो कंफ्यूज हूँ, आप सभी कमेंट करना। एक BMW 310 है 310 cc और एक KTM RC390 जो कि 390 cc का है, और प्राइस में डिफरेंस 20,000 BMW ही ज़्यादा पड़ रहा है, क्योंकि 377 पड़ता है और RC पड़ रहा है 353, 360 के पास आसपास आ जाएगा RC। जो लुक वाइज देखो तो BMW ही अच्छा है, और गाइस फ्यूचर दोनों बाइक में सेम ही है, प्लस माइनस कुछ नहीं है, 19-20 का अंतर है। और गाइस मैं कंफ्यूज इसी कारण हो रहा हूँ, जो कि प्राइस में कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो कि सिर्फ पावर फिगर चाहिए गाइस, जो कि रफ एंड टफ बाइक हो। और इसी कारण KTM RC का डिसाइड कर रहे हैं, और उसको लुक के बात आया तो फिर उसमें थोड़ा मॉडिफिकेशन करवाएंगे अच्छा सा, और जो कि प्रीमियम उसमें मॉडिफिकेशन हो पाए। और इसका भी बेकार लुक लग रहा था अपनी करिश्मा XMR को, क्योंकि इसको भी मॉडिफिकेशन कराने के बाद बहुत ही अच्छा लुक निकला, जो कि R15 भी ठीक है, लेकिन लुक में देखो तो गाइस R15 से बेहतर कोई बाइक नहीं है, जो कि आप सभी जानते होंगे। और गाइस क्या कहते हो, KTM RC390 जो है नेक्स्ट मंथ डिलीवरी लेंगे, और आप सभी कमेंट करना क्या डिसाइड करते हो, या फिर ड्यूक ले 390 जनरेशन 3 वाला जो है, ये भी बाइक ठीक है, लेकिन नेकेड बाइक है और इसी कारण मैं लेना नहीं चाहता हूँ, और शुरू से ही फेयरिंग बाइक यूज किया हूँ, और इसी कारण फेयरिंग बाइक बहुत ही ज़्यादा हमको पसंद है, और इसी कारण हो सकता है तो RC ही लेंगे। और अभी बिली का प्रैक्टिस कर रहे हैं, 2-3 दिन से बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिस हो रहा है बिली का, क्योंकि बिली भी मानना राइडर के लिए अच्छा ही है, और धीरे धीरे सीखना है और कोई जल्दीबाजी भी नहीं करना, और इसी कारण बिली भी मार रहे हैं। और ये देखो गाइस अपनी लूसी बहुत ही भौकाल है, और ये सर्विस भी खोज रहा है
कहता है कि हमको जल्दी सर्विस करा दो, इतना पेलो नहीं, क्योंकि इसको बहुत ज़्यादा अभी यूज कर रहे हैं। और ये देखो एक जोर का हेलमेट, आज तक जो अपडेट दिया हूँ वो अभी तक पूरा कर रहा हूँ। और इंस्टाग्राम पे हो तो फॉलो करो यमा सुशांत 011, जो कि ये चेकआउट करो, इंस्टा आईडी हो गया। और ये अपनी लूसी भी रहेगा, और एक आरसी भी जल्द ही आएगा इसका फ्रेंड, जो कि जल्द ही दोनों बाइक कलेक्शन में आएगा फिर से। भाई साहब चलाने वाला का यहाँ पे कमी हो जाएगा, जो कि हम सिंगल बंदा एक ही बाइक यूज कर पाएंगे। और गाय जी इसमें देखो कितना ज़्यादा मॉडिफाई है, पहले इसमें इंडिकेटर यहाँ पे आता था XMR में, और इसमें देखो यहाँ पे शिफ्ट हो गया। और यही प्रीमियम मॉडिफिकेशन है, जो कि इसको कराना बहुत ही, इसमें ना ही हॉल है ना ही कुछ है, क्योंकि एडजस्टेबल है, आप सभी जानते नहीं होंगे क्योंकि इसको वीडियो नहीं बनाए हैं, शुरू में बनाते तो फिर आपको दिखाते हैं। और पीछे का लुक वाइज देखो तो कितना अच्छा है। आप सभी कमेंट करना, हम तो खुद कंफ्यूज हो रहे हैं कौन सा बाइक ले। चार ऑप्शन आ रहा है, जो कि अपाचे 310 है, BMW 310 है, ड्यूक जनरेशन 3 है, और AS 390। ओल्ड मॉडल मिल जाता तो फिर बहुत ही अच्छा रहता, क्योंकि नहीं मिल रहा है, उसमें फ्यूचर भी उतना नहीं दिया हुआ है। क्योंकि चाहिए गाइस देखिए, क्योंकि हमको चाहिए फ्यूचर के लिए ले रहे हैं, जो कि ट्रैक्शन कंट्रोल हो गया, क्रूज कंट्रोल, और ये सब बहुत सारा आरसी में फ्यूचर दिया हुआ है। और राइडिंग मोड भी चाहिए, जो कि आरसी में बहुत ही है फ्यूचर, फुली डिजिटल कलर, फुल डिस्प्ले भी है। और बचा लुक उसका, तो लुक उसमें थोड़ा अच्छा से मॉडिफिकेशन कराना होगा, और थोड़ा ध्यान से, और यहाँ राइड भी करने में नहीं बन रहा है, जो कि यहाँ का एरिया भी सही से मालूम हुआ नहीं, जो कि धीरे धीरे मालूम होगा। थोड़ा फ्रेंड इंक्रीज करेंगे, उसके बाद देखते हैं एक दो राइडर मिलेगा, उसके बाद साथ में राइड करेंगे, जो कि एक दो राइडर से बात हुआ, जो कि कहता है कि साथ में वीडियो बनाओ, चलेंगे उसके भी साथ, देखते हैं कहाँ का अच्छा अच्छा एरिया है, जो कि ब्लॉग्स और बनाने में मज़ा आवे। राइड पर निकलेंगे, जो कि यहाँ से लगभग 400 किलोमीटर है, जो कि बहुत ही सुंदर जगह है, और चलेंगे उधर भी, और दमन की तरफ भी यहाँ से चलना है। और देखते हैं नेक्स्ट मंथ बाइक आ जाएगा तो फिर राइड पर भी निकलेंगे। उतना दिन से मोटो ब्लॉग कर रहे हैं विदाउट लाइसेंस, क्योंकि आज पहले पैसा का प्रॉब्लम था, जो कि देख सकते हो 3-4 बाइक ला कर रख दिए, लेकिन लाइसेंस अभी तक बना नहीं, फिर से आ रहा है नेक्स्ट मंथ RC 390। गाइस आप सभी वेट करो, और आप सभी सपोर्ट भी करो, और आप सभी के लिए बहुत ही अच्छा अच्छा कंटेंट भी आएगा, जो कि सपोर्ट करना गाइस। और नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन के ऑल पे करो। और गाइज मोटो ब्लॉग कैसा लग रहा है ये भी कमेंट करना, अभी फर्स्ट मोटो ब्लॉग डाले हैं, जो कि रिएक्शन वीडियो था, और कुछ आउटफिट शॉपिंग करने गए थे, और इसी कारण यहीं पे एंड करते हैं गाइज। यूट्यूब चैनल हो गया सुशांत राइडर ब्लॉग्स, इंस्टा आई डी हो गया यमा सुशांत 011, सपोर्ट करना गाइज, और यहीं पे एंड करते हैं। वी सेफ एंड राइड सेफ, थोड़ा वॉइस में प्रॉब्लम हो गया, एडजस्ट कर लेना गाइज। देखें कैसा बिल्ली मारे हैं टावर तोड़, और एक बार फिर से ट्राई मारते हैं कैसा बिल्ली होता है, जो कि दो दिन से प्रैक्टिस कर रहे हैं, धीरे धीरे कोई जल्दीबाजी है नहीं। और एक बार फिर ओ भाई साहब गजब का बिल मरा, ओ गजब का गाइज, ओ शिट ब्रो, चलते हैं गाइज क्योंकि जल्दीबाजी है। ओ भाई गजब का बिल लगा।
और चलते हैं, थोड़ा मार्केट में काम है। ओ भाई वोट नहीं देखे, सॉरी लूसी, लूसी को भी गुस्सा दिला दें क्योंकि वोट पे यही खाना दें, क्योंकि गाइस देखो भाई से प्यार होता है तो फिर लड़की से इसके सामने क्या चीज़ है। चलते हैं, ओ भाई पिकअप तो देखो गाइस जितना खतरनाक है, अदर बाइक में इसके सामने कोई भी बाइक नहीं टिक पाएगा। ओ भाई साहब यहाँ पे तो एक भी दुकान नहीं है, जो कि नींबू लेना था देख सकते हो। ओ भाई साहब भाई गजब का भी बिजली लगा था। चेकआउट करो, ये देखो यहाँ पे यही प्रॉब्लम है। रिएक्शन भाई गजब का है गाइस, पूरा सर्विस ही मांग रहा है फिर भी गाइज। भाई साहब हीरो ने बहुत ही अच्छा कमाल किया। ओ भाई साहब ये देखो गाइज इसमें पावर पावर देखो तो गाइज इसके अलावा एक भी बाइक नहीं है। और गाइज यही पेंट करते वही पेंट करते हैं गाइज, कैसा ब्लॉग लगा ये भी कमेंट करना।